अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे घर बन रहा है दोपहर में पालक गोश्त। तो पालक गोश्त के लिए प्याज ब्राउन किया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर डाला टमाटर, गोश्त, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हरी मिर्च और नमक। ये सारी चीज़ें डाल के, हल्दी वगैरह डाल के, मसाला वगैरह डाल के इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। अच्छी तरीके से भून लेंगे, मसाला वगैरह निकाल लेंगे बाउल में और अच्छे तरीके से भून के, फिर उसके बाद अच्छी तरीके से भून के भूंदे जाओगे। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाथ से घुमाना है, थोड़ा सा भूनना है कि टमाटर नरम पड़ जाए। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे पालक। पालक डालेंगे। देख, पालक डाल के ऐसा लग रहा है ना जैसे पता नहीं हमने कितना सारा खाना बनाया है, लेकिन अभी आप देखिएगा जब ये पानी छोड़ देगी तो एक कितनी हो जाएगी। अब हम पालक को भी अच्छी तरीके से भूनेंगे। देख, सारी गायब हो गई पालक, अच्छे से भून लेंगे। जब चिकन पानी पूरा एब्जॉर्ब हो जाए और तेल छोड़ दे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसको चढ़ा देंगे चूल्हे पर। अब ये चूल्हे पर थोड़ी देर के लिए पकेगी, फिर उसके बाद मेरी मासी ने घर का सारा काम कर दिया है, तो अब मैं उसके साथ जहाँ पे हमारी गायें रखी होती हैं, जहाँ हमारी गायें बैठी हुई होती हैं, उधर जाऊँगी और वहाँ की सफाई करवाऊँगी। ये मैं आ गई हूँ बाहर। अब देखो कितनी गंदी गंदी जगह हो रही है, बहुत गंदा गंदी हो रही थी गली, तो मैंने बोला आज मैं खुद जाके मासी से सारा काम करवाऊँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपने वाइट वाइन उपरे को खोल के उसकी यहाँ पे जगह साफ की। ये झाड़ू लग जा अच्छी तरीके से, ये झाड़ू लग गया, पानी लग गया, बकरे जगह से हट के साफ जगह पे आ गए। अब उसके बाद आप देख रहे हैं जगह गली केजी साफ हो रही है। अब उसके बाद हम दूसरी साइड की जगह साफ करेंगे। मैं नहीं, मतलब मैं अपनी मासी से करवा रही थी। अब ये भी जगह पूरी चमक गई, देखो कैसी चमक रही है, जैसे रिश्तेदारों का दिल चमकता है ना, बिल्कुल वैसे चमक रही। तब अब हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम रोटियां बनाएंगे। रोटियां बनाने के बाद हम जगह साफ करेंगे, स्लिप साफ करेंगे, तवा जगह पर रखेंगे और फिर उसके बाद चूल्हा साफ करके चूल्हे को कर देंगे बंद। अब हम दस दोनों साथ मिलके बैठ के खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद मैं तैयार होती हूँ नहा के। फिर मैंने चार चीज़ों से अपने आप को तैयार किया, बाल बनाए, चूड़ा बनाया, छोटा सा चूड़ा पप अपना सही तरीके से बनाया। मियाँ जी कह रही थी ढंग से वीडियो बना, लेकिन वो बस बना रहे थे। पहले फेयरवेल लगाए, फिर उसके बाद मैं ग्लॉस बेबी पिंक लगाए। तैयार हो गए, बाहर आ गई। अब बाहर आई, मेरे मियाँ बोलते हैं आ जाओ मैं तुम्हें मोहल्ले की जानवर दिखाऊँ। एक जानवर देख, दोनों जानवर एक जैसे लग रहे हैं, इसको देख लो, उसको देख, गलत बात कर लो। अब इसको देख लें, एक ही मेरे मियाँ ने कोई जानवर पसंद आया, एक ही गली के जानवर। तो मेरी मियाँ जी आ गई, ये हमारा चैम्पियन। इसके बाद ये दो गायें और थीं, फिर उसके बाद एक और गाय देखी, बहुत प्यारी है, माशाल्लाह बड़ी नज़र से बचा है। और फिर मेरे मियाँ को जुनून छाया कि मैं उसका स्नोमा बनाऊँ, तो ये स्नोमा बन रहा है उसका। आज की दोपहर की रूटीन बस इतनी सी थी। और आप लोग मेरी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो होती है ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा वाला ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।